संपूर्ण स्कूली शिक्षा के दौरान टीचर का अर्थ है कि वह स्टूडेंट का सबसे सक्रिय असिस्टेंट बनकर उसके भीतर समझ, संकल्प और ऊर्जा की बिल्डिंग को मजबूत बनाने का काम करे। इसलिए मैं जब भी शिक्षा के पूर्व स्वरूप और आज हो रहे बदलाव को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि एक टीचर के साथ आपको कई रोल निभाना है। सबसे पहले एक माइनिंग इंजीनियर का, जो एक स्टूडेंट रूपी छिपे हुए हीरे जवाहरात मोती को ढूंढना है। दूसरा रूप मैं देखता हूँ टीचर का, जेमोलॉजिस्ट भी है वो, और अलग अलग टैलेंट के हीरे को परखने का काम भी करता है, उन्हें गढ़ता है, और वो प्रोफेशनल ज्वेलर भी है जो उन बहुमूल्य रत्न हमारे स्टूडेंट्स की प्रकृति के मुताबिक उन्हें चमकाता है, उन्हें सही स्वरूप प्रदान करता है। कोई बच्चा मैथमेटिक्स में बहुत टैलेंटेड हो सकता है, कोई संगीत में, कोई आर्ट में, कोई साइंस में, लेकिन यह जानेगा कौन? इसका जवाब है कि अनगढ़ हीरों को जानने के योग्यता सिर्फ और सिर्फ टीचर में ही होती है, उसमें टेक्नोलॉजी और गूगल मदद नहीं कर सकते। इसलिए टीचर का वास्तविक अर्थ शिक्षा देने वाला नहीं है, टीचर का वास्तविक अर्थ है कि प्रकृति ने, नेचर ने स्टूडेंट्स के रूप में हमें जो प्रेसियस डायमंड्स दिए हैं उन्हें ढूंढकर उसमें जो संभावना है उतना ही मूल्य पैदा कर सके। टैलेंट मौजूद है, टीचर्स को उन्हें खोजना होगा और तराशना भी होगा। कई बार शब्दों का खेल होता है, बात बात में हम कई बार कहते हैं कि टीचर वह है जो बच्चों के मन को नए रूप में तैयार करता है, उसके व्यक्तित्व को नया आकार देता है, नए भविष्य का निर्माण करता है ताकि राष्ट्र निर्माण किया जा सके। एक टीचर के लिए यह भी संपूर्ण परिभाषा मैं नहीं मानता, यह उसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों का एक हिस्सा है। टीचर तो इस दुनिया का सबसे बड़ा क्रांतिकारी है। टीचर सबसे पहले 30-40 साल या उससे पहले से भी चल रहे बने बनाए ढांचे को तोड़ने का काम करता है। वह सिर्फ बच्चों के दिमाग को, माइंड को नया आकार, नई दिशा नहीं प्रदान करता, बल्कि वह बच्चों के माइंड में सोचने की नई ऊर्जा, नए संकल्प और नई सोच का प्रकाश भी पैदा करता है। और मैं मानता हूँ कि सबसे बड़ा टीचर वही है जो अपने क्लास में टेस्ट के दौरान फर्स्ट स्थान पाने वाले स्टूडेंट को रिवार्ड नहीं देता, बल्कि वह टॉपर्स की लाइनों को तोड़कर सभी को समान रूप से उनके अनोखेपन, उनके यूनिकनेस के लिए सम्मानित करता है।